वहीं मध्य प्रदेश में खाद पर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। एक तरफ किसान नाराज हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार आक्रामक है, जबकि सरकार का दावा है कि ये सिर्फ अफवाह है। आखिर क्या है इसके पीछे का सच, इस रिपोर्ट में आप देखिए। की कमी पर सियासी बवाल, किल्लत से उठे सिस्टम पर सवाल। रबी की बुआई के लिए जिन किसानों को खेतों में होना था, वो इन दिनों सड़कों और खाद बिक्री केंद्रों पर समय गुजार रहे हैं। आलम यह है कि जितनी खाद की जरूरत है वो नहीं मिल पा रही है, जिससे किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस इस मामले को तूल दे रही है, जिससे यूरिया की किल्लत के मामले पर सरकार की किरकिरी हो रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि खाद की कहीं कमी नहीं है, जानबूझकर अफवाह फैलाई जा रही है। आज भी हम इम्पोर्ट पर निर्भर करते हैं, लेकिन जितनी देश को आवश्यकता है उससे अधिक ही इम्पोर्ट की भी व्यवस्था करके मोदी सरकार ने रखी है। जहाँ तक वितरण व्यवस्था का सवाल है तो वितरण व्यवस्था प्रशासन बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं किसानों को भी अनुरोध करना चाहूँगा कि फर्टिलाइज़र की कोई कमी नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, पर्याप्त मात्रा में आपको खाद मिलेगा। इस तरह से आज जो है किसान परेशान है, उसको खाद नहीं मिल रहा है, लंबे लंबे कतारें लगा के खड़ा हुआ है। जिस तरह से खाद के रेट बढ़े हैं, आप देख रहे होंगे कि जो है जो 1200 का कट्टा था वो 2400 में पहुंच गया है। ये सब ये जो है ये कहते कुछ है और करते कुछ है, इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर। आज जो है वास्तविकता ये है कि खाद की बहुत बड़ी समस्या है, किसान को खाद मिल नहीं रहा है। अब सवाल है कि अगर ये अफवाह है तो कई जगहों पर किसानों की नाराजगी क्यों देखने को मिल रही है। तो बताया जा रहा है कि खाद वितरण की व्यवस्था सहकारी समितियों के पास है, सरकार सहकारी संस्थाओं का सहयोग करती है। हर 20 से 25 गांवों को मिलाकर एक सोसाइटी का गठन होता है। सोसाइटी की खाद बीज लोन उपलब्ध कराने का काम करती है। हर बार सहकारी संस्थाएं डिमांड भेजती है, कई बार डेटा गड़बड़ होने से डिमांड कम हो जाती है। ऐसे में बिक्री के समय स्टॉक कम पड़ जाता है, कुछ केंद्रों पर स्टॉक कम पड़ रहा है, मांग और आपूर्ति में अंतर है, डिफॉल्टर किसानों की भीड़ लग रही है, इससे दूसरे किसानों को खाद लेने में दिक्कत हो रही है। शुरू के दिनों में समितियों में निगरानी कम रही, कुछ जगहों पर सिस्टम में भी गड़बड़ी देखी गई। ग्वालियर जिले में मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार का संकट नहीं है। जिस खाद की जरूरत किसान को है वो खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और किसान को मिल रही है और आसानी से मिल रही है। समय समय पे फर्टिलाइजर के रैक्स भी जिले में आ रहे हैं, मुझे दिख रही है, और उससे आपूर्ति लगातार जारी है। और इस जिले में खाद के संबंध में ऐसी कोई समस्या नज़र नहीं आती और प्रशासन और विभाग लगातार इस पे नज़र बनाए हुए ताकि किसानों को आसानी से उर्वरक उपलब्ध हो। जानकारी के मुताबिक केंद्र से 7 लाख टन यूरिया, 1,94,000 टन डीएपी और 0.72 लाख टन एनपीके का आवंटन किया गया। इनमें से आधे आवंटन की सप्लाई हो चुकी है। 4,500 केंद्रों से खाद की बिक्री हो रही है। जहां ज्यादा भीड़ है वहां केंद्र और बढ़ाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में रबी की बुआई के लिए करीब 18 से 20 लाख मीट्रिक टन खाद की जरूरत पड़ती है। सरकार पहले से भी स्टॉक करके रखती है और केंद्र से भी आपूर्ति होती है। जब पहले का स्टॉक कम रहता है तो कई बार खाद की किल्लत सामने आ जाती है। इस बार क्या हुआ है, इस पर बहस तो हो रही है, लेकिन सही मायने में जांच की भी जरूरत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार ये बात कह चुके हैं कि ये सरकार किसान हितैषी है और किसानों को खाद के लिए कोई मुश्किल नहीं आने दी जाएगी। बावजूद इसके मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां किसानों को खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। ये सिस्टम की गड़बड़ी ही कही जाएगी कि किसानों को जब जब खाद की जरूरत पड़ती है उसे लंबी लंबी लाइनों में लग कर धक्के खाने पड़ते हैं, बावजूद इसके समय पर उसे खाद नहीं मिल पाता। और सिर्फ समय पर ही नहीं बल्कि जो मिलता है वो भी पर्याप्त नहीं होता। ऐसे में सरकार को
अब इस सिस्टम की गड़बड़ियों को सुधारना होगा, जिससे कि किसान को नजदीकी केंद्रों पर पर्याप्त खाद मिल सके। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि हर साल खाद सियासी मुद्दा बनता है। 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं, इसीलिए इस बारे में घमासान ज्यादा दिख रहा है, ताकि किसानों को साधा जा सके।